नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विक, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे जो स्किन से रिलेटेड होती है, मतलब महिलाओं की ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं। उस बीमारी का नाम है मेलेज्मा। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल की औरतें या फिर जो न्यू एडल्ट लोग होते हैं, 20 साल, 21 साल, 18 साल के लोगों की बच्चियों में, लड़कों जो औरतें होती उनमें आपने देखा होगा कि चेहरे पर उनको ब्राउन डिस्कलरेशन हो जाती है, मतलब भूरे भूरे धब्बे आपने देखे होंगे। किसी के नोज़ पर होता है, किसी फोरहेड पर होता है, चीक्स पर होता है, लिप्स पर आ जाता है, साइड पर, तो उसने देखा होगा कि वो कलर चेंज होने लगता है, ब्राउनिश हो जाता है या फिर ब्लैकिश होता है। ज़्यादातर दोस्तों मैंने ब्राउनिश देखा है, मतलब भूरे कलर में हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाती। उसकी आज मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन बताऊँ और मैं अपने क्लिनिक के एक पेशेंट की हिस्ट्री भी बताऊँगा जो 15 दिन में बिल्कुल रिकवर हुई है और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है आगे, मतलब 2 महीने उसने ट्रीटमेंट मेरे से लिया, उसके बाद आज तक उसको कोई भी वैसी समस्या नहीं हुई है, ना ही उसके चेहरे पर कोई भी डिस्कलरेशन दोबारा हुई है या आई है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मेलेज्मा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्किन रिलेटेड मेलेज्मा के बारे में। दोस्तों, जो माताएं बहनें होती हैं उनके चेहरे पर आपने देखा होगा डिस्कलरेशन हो जाती है, ब्राउनिश कलर के स्पॉट पड़ना शुरू जाते हैं, किसी के यहाँ पर होता है, किसी पर नोज़ पर आ जाता है, किसी पर फोरहेड पर होता है। तो कई दोस्तों ऐसे मेलेज्मा के पेशेंट मैंने देखे हैं, जिनमें मैं एक पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, एक पेशेंट मेरे पास तकरीबन 1.5 महीने पहले आई थी पेशेंट, उस पेशेंट का मैं नाम नहीं यहाँ पर बताना चाहता, तो XYZ, उसकी उम्र थी 20 साल। दोस्तों, 20 साल की उम्र में वो कम से कम 18 साल से परेशान थी, मतलब 18 साल की उम्र से वो परेशान थी, 2 साल से उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी क्योंकि उसके ब्राउनिश डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो एलोपैथी डॉक्टर्स के पास ऑइंटमेंट क्रीम लगा लगा के परेशान हो चुकी थी, जैसे ही वो खाती थी वो ठीक हो जाती थी, जैसे ही वो छोड़ती थी फिर उसको अपीयर हो जाते थे, क्योंकि एलोपैथ डॉक्टर्स ने उसको डिसअपीयर, मतलब उसको एक तरीके से सुपरफिशली उसने ठीक तो कर दिया लेकिन इंटरनली उसको हील नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो बार बार उनको हो जाती थी। दोस्तों, जब मैंने उस पेशेंट की सारी हिस्ट्री देखी, उसको कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम थी, सारी हिस्ट्री उसकी केस हिस्ट्री लेने के बाद मैंने जितने भी डॉक्टर्स से उसने ट्रीटमेंट लिया, उनकी मेडिसिन को, एलोपैथी की मेडिसिन को मैंने देख कर कौन से ऑइंटमेंट या क्रीम उन्होंने दिए, उस बेस के आधार पर जब मैंने देखा कि डॉक्टर्स ने उसको ऐसे ऐसे स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट दिए हैं या मेडिसिन दी है जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी, तो दोस्तों मैंने तो पहले उसको एंटीडॉट किया, क्योंकि वो 2 साल से कंटिन्यू एलोपैथी खा रही थी, इसलिए मैंने उस मेडिसिन को मैंने एंटीडॉट किया ताकि उसके शरीर में एलोपैथी की जो एक तरीके से घर बना लिया था उस चीज़ को डिसअपीयर हो, गायब हो जाए। उसके बाद मैंने उसको 1 वीक की मेडिसिन दी, 1 वीक की मेडिसिन देने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं आए। फिर मैंने उसकी दोबारा हिस्ट्री ली, केस हिस्ट्री दोबारा ली, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तब मैंने उसको देखा कि उसको ये समस्याएं 2 साल से ही हैं और उसकी हार्मोन इम्बैलेंस हो गए थे, जिसकी क्योंकि वो उसकी मैरिड नहीं थी, शादीशुदा नहीं थी, 20 साल की लड़की थी, तो उसको मैंने जब हिस्ट्री पूरी ली तो उसकी मेडिसिन मुझे सिर्फ पोलोफाइलम निकल के आई। कोलोफाइलम फर्स्ट ग्रेड पर थी, सेकेंड थी चाइना। दोस्तों, मैंने कोलोफाइलम की 200 की पोटेंसी को 2 बार मैंने रिपीट करवाया, उसके बाद चाइना 30 पोटेंसी में उसको दिन में 3 बार दिया। इन दोनों मेडिसिन से उस पेशेंट की रिकवरी विद इन 5 डेज में इतना क्लियर हो गया उसका फेस कि जो ब्राउन डिस्कलरेशन ज़्यादा दिख रही थी वो लाइट हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क होने से वो लाइट हो गए। और दोस्तों, उसकी कम से कम 15 दिन में जब मैंने उसको 7 डेज के बाद उसको फॉलोअप के लिए बुलाया तो मैंने देखा उसका चेहरा जो था पहले से बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका था और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। उस पेशेंट ने खुद बोला कि डॉक्टर साहब, मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। तो दोस्तों, 15 दिन के फॉलोअप के बाद मैंने उसको PL पर रख दिया, महीने भर उसको मैंने PL पर रखा। उसके बाद वो जब भी फॉलोअप के लिए आती बिल्कुल चेहरा उसका साफ हो चुका है, अब उसकी मैंने मेडिसिन स्टॉप कर दी है। दोस्तों, मैं आपको उसकी पिक्स तो नहीं यहाँ पर लगा सकता क्योंकि ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, कई कई ऐसे लोग होते हैं जो उस चीज़ को मना करते हैं कि नहीं आपने मेरी पिक्स कैसे डाल दी वहाँ पर,
तो इसलिए मैं उसका नाम और पता ना बता करके सिर्फ उसको आपको एक तरीके से आपको बताने का ज़रिया है कि मैंने उस पेशेंट को ऐसे ऐसे ठीक किया। 15 दिन के बाद उसको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। 1 मंथ, 1.5 महीना, 2 महीने तक उसने मेरी कंटिन्यू दवाई खाई। वो आज तक अगर उसको कोई भी अब प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम बुखार हो तो एक नॉर्मल है, अगर उसको होता तो वो यहीं पर दवाई लेने आती है, क्योंकि उसको बिलीव हो गया कि होम्योपैथी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। बल्कि एलोपैथी में वो 2 साल से ट्रीटमेंट ले रही थी, जो कि उसके बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही थी। कम से कम वो कहती थी, डॉक्टर साहब मुझे 1,000 की दवाई हफ्ते भर की पड़ती, क्योंकि उसमें सोप, साबुन और पता नहीं फेस वॉश क्या क्या वो डॉक्टरों ने दे रखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उसने परेशान हो चुकी, तो पैसे से बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी है। मैंने अपने क्लिनिक पर उसको एक बार विजिट आई, किसी के थ्रू वो हमारे क्लिनिक पर आई, उसके बाद मैंने उसकी पूरी केस हिस्ट्री ली, उसके बाद मैंने उसको ज़्यादा जो हमारे क्लिनिक की फ़ीस होती वो भी मैंने उसके लिए छोड़ दी कि मैंने चलो आपकी मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ, सिर्फ मेडिसिन के चार्जेस ही यहाँ पर पड़ेंगे। मेडिसिन के चार्जेस उससे लिए और उसकी जो मेडिसिन थी बहुत ही लो मतलब कह रहे सस्ती दवाइयों में बिल्कुल आती है। तो दोस्तों पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इतनी सस्ती दवाई मुझे दी है, आज तक मैंने इतनी सस्ती दवाई खाई नहीं है। तो पेशेंट भी परेशान होगा कि इतनी सस्ती दवाई आपने दी कैसे दी। तो मैंने उसको बोला, मैंने आप मेडिसिन खाइए, अगर पैसे नहीं है तो आप बाद में दे दीजिए। तो वो पैसे देकर भी गई, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो उसने मुझे 1,000 का 100-100 के नोट मुझे 1,000 पकड़ा दिए कि डॉक्टर साहब ये आप रख लीजिए, मेरी तरफ से तोहफा है कि आपने मुझको बिल्कुल ठीक कर दिया है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट मुझे कई ऐसे मिल चुके हैं जिन्होंने अपनी सुविधा से पैसे दिए हैं, जो बिल्कुल सही हो गए और अपनी खुशी जाहिर की कि हाँ डॉक्टर साहब आपने मेरा सस्ता इलाज किया और मैं बहुत ही बेटर हूँ। क्योंकि दोस्तों कई मैंने देखे होम्योपैथी डॉक्टर्स पर लोग बिलीव नहीं करते, अब होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास बिलीव करते भी हैं तो कई डॉक्टर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं रिजनेबल प्राइस पर उनको मेडिसिन प्रोवाइड करता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको मेडिसिन खिलाने का तरीका बताता हूँ। और वो जब वो ठीक हो जाते तो वो हमारे पास ज़रूर आते हैं फॉलोअप के लिए कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल सही हो गई, अब आप अगर दवाई चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, अन्यथा इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नॉर्मल सा वीडियो मैंने बनाया था आपके लिए कि जो होम्योपैथ मेडिसिन को नहीं खाते हैं या फिर लोग समझते हैं कि होम्योपैथी में इतना दम नहीं है, वो सब भूल जाइए। आजकल की जो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं बहुत ही फास्ट हैं, इवन अगर आपको कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।